हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आ गया हूँ एक धमाकेदार वीडियो के साथ। बाप रे बाप, देखो क्या धूप है। इतना गर्मी में भी हम वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए, इसीलिए तो चैनल जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। ओके, तो चलिए आज हम लोग क्या सीखेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे एक मैनिपुलेशन, फोटोशॉप में हिंदी में मैनिपुलेशन। कोई वीडियो आपको देखने का नहीं मिलेगा को मैनिपुलेशन एक्सप्लेन करके कोई नहीं समझाया। ओके, तो आज एक पॉपुलर मैनिपुलेशन आज हम लोग सिखाएंगे। सो गाइस, आज हम लोग सिखाएंगे जाइंट बियर मैनिपुलेशन। ओके, सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे देख लो, ये वाला मैनिपुलेशन आज हम लोग सिखाएंगे, पूरा एक्सप्लेन करके हम समझाएंगे। आई होप कि ट्यूटोरियल आप लोग का पसंद आ जाएगा। और जो बहुत सारा वीडियो है तो आप लोग इधर देख सकते हो, जो KGF टेक्स्ट इफेक्ट मैंने इधर क्रिएट किए हैं, तो ये वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हो। और जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला वीडियो भी देखिए, कोई भी बैकग्राउंड कैसे करके ट्रांसफर करने होगा, ये वीडियो भी मैंने आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो आज है मैनिपुलेशन डिजाइन। बहुत सारा मैनिपुलेशन मैंने हमारे चैनल पर आएगा, तो इसीलिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना होगा। बहुत सारा फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग मैनिपुलेशन आने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करना पहले जो जो बात मैंने बोलूंगी, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करो, आपका दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, और जरूर जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो। हम जब भी ट्यूटोरियल अपलोड करेंगे आपका पास तुरंत मैसेज आ जाएगा। ओके, तो चलिए आज का जो बिग जाइंट बियर वाला मैनिपुलेशन शुरू करते हैं। सो गाइस, आप लोग देख ही सकते हो मेरा स्क्रीन पे मैंने आ गया है, मेरा फोटोशॉप इधर ओपन है। तो इस टाइप का मैनिपुलेशन आज हम लोग सीखेंगे। ओके, तो चलिए ये मैनिपुलेशन शुरू करने के लिए कुछ इमेज हमको चाहिए। सबसे पहले आप लोग का मैनिपुलेशन जो आइडिया है ना, वो थॉट को आप लोग का समझने होगा। मैनिपुलेशन क्रिएट करने के लिए कुछ बेस हमको चाहिए, एक तो बैकग्राउंड चाहिए, कुछ इमेज हमको चाहिए। किस टाइप का मैनिपुलेशन आप लोग क्रिएट करना चाहते हो उस हिसाब से आप लोग इमेज चूज कर लेना। ओके, और लाइटिंग का हमको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, लाइटिंग क्या होगा और किस टाइप कौन साइड से लाइटिंग आएगा एंड रिफ्लेक्शन क्या होगा, इस कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानने होगा। ओके, तो हम जो ट्यूटोरियल अपलोड करेंगे हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, आप लोग का मैनिपुलेशन करने का कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करने होगा, एक बेस हमको क्रिएट करने होगा, वो आपका मुताबिक आप लोग साइज रख सकते हो। मैंने इधर एक डॉक्यूमेंट जो बेस हम क्रिएट करेंगे ना, तो उसका साइज मैंने रखूँगी 1920 एंड 1280। ओके, और रिजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा के रखना, तो क्योंकि इमेज बहुत क्लैरिटी वाला इमेज क्रिएट होगा। ओके, तो मैंने इधर 100 रख दिया है, आप लोग 300 भी रख सकते हो, 150 भी रख सकते हो, आपका मुताबिक आप लोग रख सकते हो। ओके, देन हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ओके, सो गाइस, आज बहुत गर्मी है तो इतना मेहनत करके मैंने वीडियो बनाता हूँ। ओके, तो चलिए, तो बेस तो मैंने क्रिएट कर लिया है, तो इसके बाद हमको क्या करने होगा, देखिए इधर मैंने कुछ इमेज मैंने इधर इंपोर्ट करके रखी। ओके, तो फॉरेस्ट वाला इमेज सबसे पहले हमको ड्रैग एंड ड्रॉप करने होगा। सर, फॉरेस्ट वाला इमेज मैंने इधर चूज किए हैं, तो जस्ट लेके हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने सेट कर लेंगे। ओके, तो इसके बाद देखिए इधर एक रिवर इमेज मैंने इधर ऐड करूँगी, बैकग्राउंड के ऊपर मार्च करूँगी। ओके, तो चलिए कर लेते हैं। ओके, तो इधर भी इमेज भी मैंने लेके आ गया हूँ। देन देखिए जो रिवर पार्ट हमको चाहिए और जो ट्री वाला इमेज हमको नहीं चाहिए, तो इसीलिए क्या करूँगी, आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए, जस्ट एक तो मार्क्स लेयर मैंने ले लूँगी एंड जो मार्क्स को ना टोटल ब्लैक मार्क्स में मैंने कन्वर्ट करूँगी कि ये इमेज गायब हो जाएगा। ओके, तो कंट्रोल आई मैंने कर दूँगी, तो टोटल जो रिवर इमेज गायब हो गया है। ओके, तो हमको जो जो पार्ट जो रिवर का जो पार्ट चाहिए, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रश टूल सिलेक्शन करेंगे, फोरग्राउंड कलर व्हाइट कलर सिलेक्शन करेंगे, ब्लैक मार्क्स अप्लाई रख के हम लोग क्या करेंगे, ओपेसिटी हम लोग पूरा 100% कर देंगे। ओके, तो ये रिवर पार्ट देखिए मैंने लेके आ गया है, तो रिवर पार्ट खाली हमको चाहिए, तो इसीलिए एक मेथड है, ये मेथड अप्लाई करके आप लोग कोई भी इमेज से जो पार्ट आपको चाहिए वो इमेज आप लोग आन सकते हो। ओके, ऐसे करके हमको रिवर पार्ट चाहिए, तो रिवर पार्ट मैंने लेके आ गया। ओके, थोड़ा सा हम लोग रिवर पार्ट के एडजस्ट कर लेते हैं, आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए। Thank you.
तो इधर एडजस्ट हो गया, थोड़ा सा और भी मार्च करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक कलर डालेंगे, ब्लैक कलर देके थोड़ा सा हम लोग और भी इमेज को एडजस्टमेंट कर लेंगे। ओके, देखिए शैडो हमारा क्रिएट हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे, कलर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो फॉरेस्ट इमेज का मैंने कलर एडजस्टमेंट करूँगी, सबसे पहले हम लोग ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट अप्लाई करूँगी। देन हम लोग थोड़ा सा कलर बैलेंस ऐड करूँगी, एंड थोड़ा सा कलर बैलेंस ऐड करने के बाद थोड़ा सा और ब्लैक करने के लिए मैंने कार्व्स ऑप्शन चूज करूँगी। आप लोग देखते रहिए, तीन टो ऑप्शन मैंने इधर अप्लाई करूँगी। ओके, फॉरेस्ट का इमेज हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो रिवर इमेज है, रिवर इमेज को भी सेम हम लोग इफेक्ट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्राइटनेस में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, देन कलर बैलेंस, देन कर्व्स। ओके, तो आप लोग देखते रहिए। गाइस आप लोग देख ही सकते हो, रिवर इमेज भी हमारा कलर एडजस्टमेंट हो गया। तो इसके बाद रिवर इमेज को थोड़ा सा हम लोग ह्यू सैचुरेशन थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि डार्क है तो इसीलिए हम लोग जाएंगे एडजस्टमेंट पैनल से ह्यू एंड सैचुरेशन, थोड़ा सा ह्यू हम लोग कमा देंगे। ओके, तो प्रोमिनेंट आ जाएगा। ओके, टोटल बैकग्राउंड इमेज हमारा कंप्लीट हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे, इधर जो बियर इमेज कट करेंगे, देन हम लोग बियर इमेज इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, देन हम लोग थोड़ा सा कलर एंड जो रिफ्लेक्शन थोड़ा सा हमरा एडजस्ट करेंगे। ओके, तो चलिए बियर इमेज जो है, जो बियर इमेज मैंने इधर इंपोर्ट करके रखी हूँ, तो सबसे पहले फटाफट से काट लेता हूँ। ओके, तो पेन टूल का मदद से मैंने फटाफट से काट लेता हूँ। गाइस आप लोग देख सकते हो, बियर इमेज मैंने कट करके इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ओके, तो इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने होगा। ओके, तो इस वाला कौन सा पोजीशन में हमको रखने होगा, तो वो हम लोग चूज करेंगे। ओके, तो हमारा इधर एडजस्टमेंट हो गया है। देन हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर जो रिफ्लेक्शन क्रिएट कर लेंगे हम लोग, एंड देखिए थोड़ा सा जो इधर इमेज है थोड़ा सा इरेज कर लेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट से कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले जो मास्क लेयर है, मास्क लेयर मैं सिलेक्शन करके, ब्रश टूल सिलेक्शन करके, फोरग्राउंड कलर ब्लैक रख के हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर रिमूव कर लेंगे। ओके, ओके, देन हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन क्रिएट करेंगे। ओके, तो इसीलिए एक न्यू लेयर मैंने ले लिया, जस्ट बियर का नीचे एक न्यू लेयर मैंने ले लिया, देन फोरग्राउंड कलर ब्लैक कलर सिलेक्शन करके हम लोग रिफ्लेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ओके, आप लोग देख ही सकते हो, रिफ्लेक्शन भी हमारा क्रिएट हो गया। देन हमको क्या करने होगा, जो बियर को ना ट्री का पीछे हमको ले जाने होगा। तो कैसे करके हम लोग क्रिएट करेंगे, आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले ट्री इमेज हम लोग ओपन करेंगे, एंड बियर इमेज को मैंने क्लोज कर देता हूँ, आई आइकॉन क्लोज कर देता हूँ। देन हम लोग क्या करेंगे ना, दो टो ट्री हमको चाहिए, दो टो ट्री हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे पेन टूल का मदद से। ओके, ओके, दो ट्री सिलेक्शन हो गया, कंट्रोल एंटर, देन हम लोग बियर इमेज का जो आई आइकॉन मैंने क्लोज कर देंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स जो बियर का जो मार्क्स लेयर है, मार्क्स लेयर सिलेक्शन करूंगी, ब्रश टूल सिलेक्शन करूंगी, देन फोरग्राउंड कलर ब्लैक कलर सिलेक्शन करके हम लोग क्या करेंगे, इरेज कर लेंगे, ओपेसिटी हम लोग बढ़ा देंगे, देन हम लोग देखिए इधर इरेज कर देंगे। ओके, ओके, कंट्रोल डी मैंने कर लिया, डी सिलेक्ट। आप लोग देख ही सकते हो, जो ट्री का पीछे बियर आ गया है। ओके, देन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट करेंगे, बियर इमेज को कलर एडजस्टमेंट करेंगे, सेम प्रोसेस में थोड़ा सा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट ऐड करेंगे, एंड थोड़ा सा हम लोग कलर बैलेंस ऐड करेंगे, एंड कर्व्स ऑप्शन थोड़ा सा ऐड करेंगे। आप लोग देख सकते हो। ओके, okay?
फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो टोटल कलर भी हमारा बियर का ऊपर आ गया है। ओके, तो थोड़ा सा देखिए सामने वाला पार्ट को हमको कलर नहीं चाहिए, थोड़ा सा पीछे कलर आएगा, तो इसीलिए हम लोग कलर बैलेंस जो मार्क्स है ना, कलर बैलेंस मार्क्स लेयर सिलेक्शन करके कंट्रोल आई कर देंगे, टोटल ब्लैक मार्क्स हो गया है। देन ब्रश टूल का मदद से फोरग्राउंड कलर व्हाइट कलर सिलेक्शन करके हम लोग जो जो पार्ट में हमको कलर चाहिए वो जस्ट ब्रश दे के मैंने वो पार्ट को देखिए कलर कर देता हूँ। ओके ओके गाइस, आप लोग देख सकते हो टोटल इमेज जो बियर का इमेज हमारा कंप्लीट हो गया, कलर करेक्शन हो गया है। ओके तो इसके बाद देखिए ट्री का साइड में भी थोड़ा सा हम लोग लाइट ऐड करेंगे, तो इसीलिए हमको क्या करने होगा, जस्ट देखिए इधर जो ट्री लेयर है, ट्री लेयर को जस्ट हम लोग इधर सिलेक्शन करके इधर हम लोग एडजस्टमेंट पैनल से और भी मैंने कलर बैलेंस ऐड कर लेंगे। ओके तो मार्क्स लेयर इधर क्लिप ऐड कर देंगे और भी थोड़ा सा हम लोग कलर कर लेंगे जो ट्री का कलर आ जाए। ओके ओके तो इसके बाद मार्क्स को कंट्रोल आई करके इन्वर्ट कर लेंगे, देन ब्रश टूल का जो सिलेक्शन करके हम लोग क्या करेंगे, जो कलर ट्री का ऊपर हम लोग कलर चाहिए तो ट्री इमेज को सिलेक्ट हम लोग कलर काट देते हैं। ओके ओके तो जो जो पार्ट में कलर आ गया है वो मैंने इरेजर टूल का मदद से देखिए इरेज कर देता हूँ। ओके चलिए, तो टोटल हमारा कलर का काम हो गया है। देन हमको क्या करेंगे, जो इधर आप लोग देख सकते हो जो बियर का जो आई है ना, आई एंड इधर देखिए थोड़ा सा क्रैक हो गया है, क्रैक हो गया है, वो वाला इफेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। ओके तो चलिए फटाफट से कर लेता हूँ। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, बियर इमेज का जो आई हम लोग क्रिएट करेंगे, तो इसीलिए एक न्यू लेयर हमको क्रिएट करने होगा। ब्रश टूल सिलेक्शन करेंगे एंड देखिए इधर ऑरेंज कलर हम लोग ले लेंगे, डार्क ऑरेंज कलर मैंने ले लिया है। ब्रश टूल सिलेक्शन करूंगी एंड ब्रश जो साइज है ना, थोड़ा सा ब्रश साइज हम का मुताबिक, इमेज का मुताबिक हम लोग सेट करेंगे एंड हार्डनेस थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देंगे 20 का आसपास। ओके ओके तो इसके बाद ब्रश साइज थोड़ा सा छोटा करके हम लोग क्या करेंगे, इधर आई हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ओके ऐसे करके मैंने आई को क्रिएट कर लेता हूँ। ओके आई तो क्रिएट हो गया, देन हम लोग क्या करेंगे, ब्लेंड मोड चेंज करके हम लोग कर देंगे विविड लाइट। ओके तो इसके बाद और भी थोड़ा सा हम लोग इधर क्रिएट करेंगे, लाइट क्रिएट करेंगे, और एक तो न्यू लेयर मैंने ले लिया है एंड इधर देखिए थोड़ा सा हम लोग येलो कलर सेट करेंगे एंड देखिए थोड़ा सा छोटा एक तो आई ड्रॉप इधर यूज़ किया मैं, इधर देखिए थोड़ा सा एक यूज़ किया है। ओके तो इसके बाद देखिए और एक न्यू लेयर मैंने ले लूँगी, इधर जो ऑरेंज कलर हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे, सिलेक्शन करने के बाद ब्रश टूल सिलेक्शन करेंगे, ब्रश टूल सिलेक्शन करने के बाद ब्रश थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेंगे एंड इधर देखिए एक तो ड्रॉप, इधर एक तो ड्रॉप मैंने क्रिएट कर लिया, देन इधर ब्लेंड मोड चेंज करके हमको देखने होगा कौन सा अच्छा लगता है। ओके तो मैंने चेंज करके देखता हूँ, देखिए ओके स्क्रीन ओके तो मैंने स्क्रीन पे रखूंगी। ओके स्क्रीन ऑप्शन जाके मैंने जस्ट ओपेसिटी थोड़ा सा हम लोग कमा देंगे। ओके आप लोग देख सकते हो जो आई हमारा इधर क्रिएट हो गया है, तो मेन जो आई है ना, मेन आई थोड़ा सा हम लोग चेंज करके देखता हूँ। देखिए इधर कलर डॉट्स अच्छा लगता है, जो मेन आई मैंने इधर क्रिएट किया है ना, ए वाला आई, देखिए ए वाला मैंने ब्लेंड मोड चेंज करके कलर डॉट्स कर लिया एंड देखिए इधर जो इमेज है, इधर जो लाइट मैंने क्रिएट किया है, तो ए वाला लाइट को देखिए मैंने स्क्रीन ओके स्क्रीन पे मैंने रख देता हूँ, नहीं तो कलर डॉट्स भी अच्छा लगता है। यस कलर डॉट्स ओके, थोड़ा सा ओपेसिटी मैंने कमा देंगे ए ओके, आप लोग देख सकते हो प्रोमिनेंट आई इधर क्रिएट हो गया है। ओके तो इसके बाद हम लोग जो स्क्रैचेस है, स्क्रैचेस हम लोग क्रिएट करेंगे। ओके तो सबसे पहले कैसे करके करेंगे आप लोग ज़रा देखते रहिए, नहीं तो हम बोल बोल के करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए, आप लोग भी सीख जाओगे। ओके तो सबसे पहले हम लोग एक न्यू लेयर ले लेंगे, देन ब्रश टूल सिलेक्शन करेंगे, फोरग्राउंड कलर ब्लैक सिलेक्शन करके हम लोग स्क्रैचेस क्रिएट करेंगे। We'll be right back.
ओके गाइस, आप लोग देख सकते हो इधर देखिए एक कार्ड हमारा क्रिएट हो गया है। तीन ठो लेयर है हमारा, देखिए इधर। ओके, तीन ठो लेयर को हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल ई करके मार्च कर देंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल टी, देन राइट क्लिक करके हम लोग रैप ऑप्शन में जाएंगे। थोड़ा सा हम लोग इधर रैप देके हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, ओके, तो इसके बाद इसके कंट्रोल जे करके कॉपी कर लेंगे। देन इधर मैंने एडजस्ट करूँगी थोड़ा सा, इधर देखिए मैंने छोटा कर लेंगे। एंड रैप टूल रैप देके हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ओके, ओके, तो देखिए दोनों कार्ड मार्क हमारा इधर क्रिएट हो गया है। ओके, आप लोग देख सकते हो। देन हम लोग क्या करेंगे, इधर एक जो देखिए इधर एक मॉडल है, मॉडल लेयर को हम लोग इधर एडजस्टमेंट करेंगे। देन थोड़ा सा लास्ट में कलर करेक्शन कर लेने से हमारा हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो मॉडल है मॉडल इमेज को हम लोग इधर ऐड कर लेंगे। ओके, ओके, तो चलिए फटाफट से कर लेता हूँ। इधर एडजस्टमेंट कर लिया, देन थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेंगे। ओके, देन हम लोग हॉरिजॉन्टल कर देंगे, इधर हमारा इधर आएगा। ओके, ऐसे करके हम लोग, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो इधर देखिए जो ए वाला पार्ट है ना, ए वाला पार्ट हम लोग इरेस कर लेंगे। एक मार्क्स लेयर अप्लाई कर लेंगे, ब्रश टूल सिलेक्शन करेंगे, देन फोरग्राउंड कलर ब्लैक सिलेक्शन करके हम लोग ए वाला पार्ट को इरेस कर लेंगे। ओपेसिटी हम लोग बढ़ा देंगे, देन ए वाला पार्ट देखिए ट्री का पीछे में रहेगा। ओके, ओके, तो क्रिएट हो गया। और इसके बाद हम लोग जो मॉडल इमेज को थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट कर लेंगे। ओके, तो सेम प्रोसेस हम लोग ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट एंड हम लोग कलर बैलेंस देन कार्ड्स ऑप्शन सिलेक्शन करेंगे। ओके, तो चले फटाफट से कर लेते हैं। ओके गाइस, आप लोग देख सकते हो हमारा इधर जो मॉडल के ऊपर कलर भी क्रिएट हो गया है। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्लर जो इफेक्ट इधर हम लोग ऐड करेंगे। तो इससे पहले हम लोग इधर एक लाइट क्रिएट करेंगे। ओके, तो एक न्यू लेयर मैंने ले लिया है, जस्ट देखिए ए वाला कलर को हम लोग पिक करेंगे। जस्ट ए वाला कलर लेके थोड़ा सा हम लोग लाइट कलर ले लेंगे, ब्रश टूल सिलेक्शन करेंगे। ब्रश टूल सिलेक्शन करने के बाद देखिए इधर हम लोग एक लाइट क्रिएट कर लेंगे। ओके, ब्लेंड मोड चेंज करके हम लोग कर देंगे इधर स्क्रीन, देन ओपेसिटी थोड़ा सा हम लोग कम आ देंगे। ओके, तो लाइट हमारा क्रिएट हो गया। देन हम लोग इधर ब्लड इफेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। ओके, तो इसीलिए हमको क्या करने होगा, एक न्यू लेयर ले लेंगे एंड ब्रश टूल सिलेक्शन करेंगे। इन्हें रेड कलर हम लोग चूज करेंगे, रेड कलर सिलेक्शन करके ब्रश टूल का देखिए ब्रश टूल थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं। देन देखिए इधर एक हम लोग ब्लड इफेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो चलिए थोड़ा सा इधर मैंने इरेस करके, ओके, एंड ब्लेंड मोड चेंज करके हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, और थोड़ा सा इधर इफेक्ट है, ए वाला इफेक्ट को भी मैंने इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगी, देखिए। ओके, एंड इधर लेके हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, थोड़ा सा हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे। देन हम लोग ब्लेंड मोड चेंज करके कर देंगे स्क्रीन, देन कंट्रोल एल, देखिए कंट्रोल एल हम लोग प्रेस करेंगे तो लेबल ऑप्शन आ गया है। थोड़ा सा और भी डार्क कर लेंगे कलर को। ओके, ओके, तो इसके बाद थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने होगा, तो मैंने फटाफट से एडजस्टमेंट करके थोड़ा सा जो ब्लड इफेक्ट ब्लड जो स्पॉट इफेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, ओके गाइस, देखिए आप लोग देख सकते हो क्रिएट हो गया। देन इधर देखिए जो ट्री का रिफ्लेक्शन हमको क्रिएट करने होगा, तो इसीलिए हम लोग एक न्यू लेयर ले लेंगे। तो न्यू लेयर लेके इधर देखिए मैंने फोरग्राउंड कलर ब्लैक रख के मैंने ब्रश टूल का मदद से देखिए मैंने एक रिफ्लेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, ऐसे करके। ओके, तो इरेजर टूल लेके थोड़ा सा हम लोग इधर इरेज कर लेंगे, और भी प्रोमिनेंट आ जाएगा। ओके, ओपेसिटी थोड़ा सा हम लोग कमा देंगे। ओके, अब लोग देख सकते हो क्रिएट हो गया है।
तो आप लोग अब देख सकते हो, तो इस टाइप का इमेज हमारा क्रिएट हो गया है। देन लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर के मदद से। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक सॉलिड कलर ले लेंगे, एक ब्लैक सॉलिड कलर मैंने ले लिया है। देन इधर मार्क लेयर सिलेक्शन करके हम लोग थोड़ा सा इधर मिडिल पार्ट को इरेज कर लेंगे। ओके ओके, थोड़ा सा ओपेसिटी भी हम लोग कमा लेंगे, आप लोग देख सकते हो तो प्रोमिनेंट इमेज आ गया है। देन हम लोग पूरा इमेज का एक मार्च करेंगे, एक न्यू लेयर ले लेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस ई प्रेस करेंगे, मार्च इमेज आ गया है। देन हम लोग जाएंगे फिल्टर, देन कैमरा रॉ फिल्टर। ओके, तो कैमरा रॉ फिल्टर की मदद से हम लोग थोड़ा सा कलर को एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ओके गाइस, देखिए कलर करेक्शन हो गया। देन थोड़ा सा इमेज को और भी क्लैरिटी देंगे, तो इसीलिए एक और भी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस ई प्रेस करके एक मार्ज इमेज मैंने क्रिएट कर लिया है। देन ब्लेंड मोड चेंज करके हम लोग कर लेंगे लीनियर लाइट। देन हम लोग जाएंगे फिल्टर, देन इधर देखिए हम लोग जाएंगे अदर, देन हाई पास। ओके, तो इधर रेडियस 0.7 पिक्सल रख के मैंने ओके बटन में प्रेस कर दिया। ओके, तो देख सकते हो हमारा जो इधर इमेज थोड़ा सा क्लैरिटी भी हो गया है। तो आप लोग देख सकते हो कैसे करके हम जो मैनिपुलेशन क्रिएट किया है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोग का समझाया, समझने का कोशिश किया। तो कैसा लगा आप लोग का कमेंट करके जरूर बोलना। सो गाइस, आई होप कि ट्यूटोरियल आप लोग का पसंद आया होगा। वीडियो आप लोग का पसंद है तो प्लीज एक लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो। बहुत सारा वीडियो आने वाला है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वो भी सीख पाए, वो भी देख पाए। ओके, और जरूर एक कमेंट करके बोल सकते हो वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक लिए गुड बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।